हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आई हूँ। व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट जैसा बनता है और आप घर में ही फटाफट बना सकते हैं। और बिना मैदे के बनाएंगे हम व्हाइट सॉस पास्ता। और चलिए लाइव हो जाइए सर, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आप वेजिटेबल्स, हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स चाहिए, देखिए मैंने रख रखी हैं ये कैप्सिकम और कैरेट और टमाटर और ये क्या कहते हैं आप प्याज। इसमें आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं। आपके सब्जी आप अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन सब्जी को काटने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काटेंगे तो सब्जी प्रेजेंटेबल और पास्ता देखने में भी प्यारा लगता है। तो ये काटने में ऐसे मैंने देखे आपके इतने प्यारा से काटा है आपका चाकू ऐसे का। तो ये मेरा लहसुन है, लहसुन के पत्ते भी मुझे मिल गए थे तो मैंने लहसुन के पत्ते भी काट लिए हैं। ये आपका कैरेट है, ये कैप्सिकम है और ये प्याज है। तो इन सबको काटा बहुत अच्छे से, आप काटेंगे ना तो वो भुनेंगे भी अच्छे से और टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसलिए सब्जी को काटने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर तो नेक्स्ट, और ये है हमारा पास्ता। मैंने ये याला पास्ता यूज़ किया है, क्योंकि याला पास्ता यूज़ करने से सॉस जो होता है वो उसमें अच्छे से लग जाता है, तो टेस्ट अच्छा आता है। तो कोशिश करिए कि आप याला पास्ता यूज़ कीजिए। मैंने इसे बॉईल कर लिया है कि टाइम वेस्ट ना हो, तो बॉईल कर लीजिए गर्म पानी में। इसे 15 मिनट में बॉईल हो जाता है पास्ता, 15 से 20 मिनट में बॉईल हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें आपका अमूल की क्रीम यूज करना है। ये अमूल की क्रीम है, इसमें चीज यूज करेंगे, देन आप बटर अमूल का, फिर ये आपका कॉर्न स्टार्च यूज करना है इसमें। नेक्स्ट मिल्क, दूध यूज करेंगे हम, 1 ग्लास के आसपास ये दूध है। और ये आपका काली मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर यूज करेंगे इसमें, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, इसको डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है व्हाइट सॉस पास्ता का। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने का। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बटर अमूल का, और बटर जले ना तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम तेज पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्च। व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है, और अगर हम ये सारी चीजें डालते हैं तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा हम और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे हल्का सा तीखापन के लिए। हरी मिर्च डाल दिए, मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बिना मैदे के बनता है और बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे और साथ ही साथ गार्लिक की मैंने मुझे पत्तियाँ मिल गई थी तो मैं वो भी डाल दूंगी।
इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत टेस्टी बनता है ये व्हाइट सॉस पास्ता और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप इसमें अपने हिसाब से भी आप सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद आए। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। सब्जी को बहुत ज़्यादा भूना नहीं है, इसमें हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए सब्जियों में। और हम गाजर डालेंगे क्योंकि गाजर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गाजर और प्याज थोड़ा सा पहले डाल देंगे। हम इसे सौते होने देंगे थोड़ी देर सब्जी को। किसी ने कमेंट किया बहुत सुंदर है, थैंक यू। अब सब्जी को थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप जितना प्रेजेंटेबल काटेंगे उतना आपका जो पास्ता है वो देखने में खूबसूरत लगेगा, साथ ही साथ टेस्ट भी अच्छा है इसका। और ये मैं बताना भूल गई थी, इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का भी हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का भी यूज़ करेंगे। प्याज सौते होने लगा। अब हम इसमें डाल देंगे आपका, आप इसकी जगह रेड कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसा काटा है कि ये और ये हमारी ग्रीन कैप्सिकम है। अब हम इसे सब्जी को सौते कर लेंगे। सारे पास्ता का टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। जो पुराने पास्ता होते हैं उसे उबलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और जो नए पास्ता होते हैं जैसे फ्रेश बने पास्ता होते हैं वो जल्दी ही उबल जाते हैं। तो आप पास्ता जो उबलने का बहुत ध्यान देना है, अगर ये कच्चे रह जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो पास्ता पे आपको ध्यान देना है कि ये अच्छे से बॉयल भी हों और मुँह में पेस भी आए, बहुत ज़्यादा गल भी ना जाए पास्ता। हमें सॉटे कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क, ये एक ग्लास के आसपास है मिल्क, तो अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। स्टर करते रहिए, चलाते रहिए अगर मिल्क को। इसी में ही हम अमूल की क्रीम, मैंने निकाल के रखी है कटोरी में, तो अमूल की क्रीम डाल देंगे। अमूल की क्रीम डालने से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। वैसे भी व्हाइट सॉस पास्ता है तो उसमें क्रीम तो पड़ेगा ही, क्रीम पड़ेगा, चीज भरेगा, तभी तो टेस्ट आएगा। फिर अब हल्का सा इसमें बॉयल आने देते हैं हम।
अब हम इसमें डाल देते हैं चीज। चीज मुझे स्लाइस ऐसे वाले मिले थे, स्लाइस वाले, आप चाहे तो क्यूब वाले भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो दो स्लाइस मैं डाल रही हूँ इसमें चीज की। और अगर आपको चीज ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज डालने से थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है इसका। तो चीज डाले, अब चीज को पिघलने दे थोड़ा सा। मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला, नमक हम थोड़ी देर में डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से आपके दूध के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम नमक का यूज बाद में करेंगे। इसी टाइम हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं काली मिर्च जितना आपको पसंद हो। देखिए बॉईल आ गया इसमें। अब यही भी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। और थोड़ा सा ऑरिगेनो। नेक्स्ट अब हम व्हाइट सॉस पास्ता को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च डाला है। मैंने एक चम्मच का यूज किया है, पानी में घोल के डालना है आपको कॉर्न स्टार्च, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। और ये इसका क्या होता है, मैदे से ज्यादा अच्छा टेस्टी बनता है जब हम इस तरह से पास्ता बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, जितना आपको नमक पसंद हो। बहुत ही जल्दी बन जाता है पास्ता। मुझे हल्का सा चिली फ्लेक्स कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी इसमें। और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसे पकने देंगे जिससे कि पास्ता में जो है, और मैंने पास्ता में भी नमक डाला था उबलते समय, तो उसी हिसाब से पास्ता में नमक डालना जरूरी है जिससे कि पास्ता के अंदर भी नमक चला जाए। देखिए मैं गैस बंद कर देती हूँ, ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे।
तो देखिए बन के रेडी है हमारा व्हाइट सॉस पास्ता, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस पास्ता है ये, और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बिना मैदे के बनता है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि उसको भूनना पड़ता है हमें बहुत ज़्यादा। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मैं होप करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू और